अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, लास्ट तीन लेक्चर से हम इस बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी के जो फ़ायदे हैं या जिसको उसके एप्लीकेशंस कहते हैं वो एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं। पहले लेक्चर में जीन थेरेपी तक हमने डिस्कस किया, दूसरे में जीएमएस में प्लांट और दूसरे में जीएमएस के अंदर एनिमल्स का डिस्कशन किया। अब ये सारी चीज़ें हमारे समझ में आ गई कि बायोटेक्नोलॉजी जो है इंसानों के फलाह व बुदूद के लिए या फ़ायदेमंद या फ़ायदे के लिए किस तरह से इस्तेमाल में लाई जाती है। लेकिन ये तकनीक, जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जिसके कुछ फ़ायदे हैं उसके कुछ नुकसान होते हैं या एडवर्स इफ़ेक्ट जिसे कहा जाता है, यानी उसके कहेंगे उल्टे असरात या जिसके गलत असरात कह सकते हैं वो हो सकते हैं। तो ये जो उसके गलत असरात है यानी इफ़ेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी तक इस चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है और उसके फ़ायदे किस तरह से है, यही सारी चीज़ें हमने पढ़े हैं। तो यहाँ पर इफ़ेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये एक टॉपिक पढ़ना है, और अगर वक्त बचे या फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन उसको इसके ऊपर इसके तीन इम्पॉर्टेंट एक तीन टॉपिक्स है, इसको बायो पेटेंट, बायो इथिक्स और बायो पायरसी कहा जाता है, उस पर डिस्कस करेंगे। इतना ही इस चैप्टर का हिस्सा बाकी है। तो सबसे पहले इफ़ेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी का जो ताल्लुक़ है, हमने देखे कि मुख्तलिफ ब्रांचेस से इसका ताल्लुक़ है, ख़ास तौर से इसका एनवायरनमेंट से ताल्लुक़ है। हमने देखे इसका प्लांट से ताल्लुक़ है, हमने देखे इसका एनिमल्स से ताल्लुक़ है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खुद भी नहीं जानदारों से इसका ताल्लुक़ है, और दीगर बहुत सारी ब्रांचेस है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, बहुत सारी ब्रांचेस, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, ये सारी तमाम से इसका बहुत सीधी सीधी चीज़ है कि तमाम से इसका जो है तो ताल्लुक आता है। अब हमको पता है कि एनवायरनमेंट, माहौल जिसे हम कह रहे हैं, इस माहौल में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों का शुमार होगा, जानदार और गैर जानदार। मतलब क्या कि जो जानदार जिस जगह रहते हैं, जिस मकाम पर रहते हैं, जहाँ उनका मस्कन है, उसके अतराफ जो गैर जानदार चीज़ें और दीगर जानदार है, दोनों चीज़ें, यानी दीगर जानदार प्लस गैर जानदार चीज़ें, जैसे हवा में मौजूद मुख्तलिफ गैसेस होती है, ज़मीन मिट्टी में मौजूद मुख्तलिफ मिनरल्स है, दीगर खुर्दबीनी जानदार, जानदारों के अंदर दीगर हैवानात, दीगर नबातात, ये सब चीज़ें इस माहौल का एक मतलब मजमुआ है, या माहौल इन सब मिलकर बनता है और हर एक उसका एक कॉम्पोनेंट है, हर एक उसका एक हिस्सा है, तो उसे हम माहौल कहते हैं। अब इस माहौल में हमने देखे कि ये तमाम चीज़ें तो है, लेकिन जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका इस पर यानी माहौल के ऊपर कैसे इफ़ेक्ट होता है, कैसे इसका असर होता है। दूसरी चीज़ हमको यहाँ देखना है, डिस्कस करना है कि इंसान की सेहत पर इस बायोटेक्नोलॉजी का किस तरह से इफ़ेक्ट होता है। तो चलिए वन बाय वन यानी ये दो टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहला जो टॉपिक है जिसमें एनवायरनमेंट पर होने वाला जो असर है, इसमें हम पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हर्बिसाइड जो होते हैं, ये हर्बिसाइड्स का यूज़, उसका इस्तेमाल और रेजिस्टेंस, कुव्वत मदापियत, ये दोनों का क्या ताल्लुक है या कैसा ये हर्बिसाइड्स का इफेक्ट रेजिस्टेंस पावर पे होता है। सबसे पहली बात, हर्बिसाइड्स किसे कहते हैं। देखिए, बहुत सारे CIDS साइट्स ऐसे वर्ड यहाँ आते हैं, जैसे VD साइट्स, ठीक है, इंसेक्टिसाइड, ठीक है, ये हर्बिसाइड्स वगैरह, ये साइट्स जो है, ये वर्ड, जैसे जो भी पौधों पर आने वाली बीमारियां होती है, ध्यान दीजिए बेटा, उन्हें पेस्ट एक जनरल वर्ड इस्तेमाल होता है, जिसे हम उर्दू में हशरात कहते हैं, बीमारियां कहते हैं, और उस पर इस्तेमाल होने वाली जो भी कोई दवाइयाँ होगी वो दवाइयों को साइट्स या उसको हशरात कश, कुछ जगह उसको हशरात कुश कहा जाता है, आपको जो प्रोनाउंसिएशन अच्छा लगे वो समझ लीजिए उसको। तो उन्हें वो जिस चीज़ पर कंट्रोल कर रहे हैं उसके अतबार से नाम दिया जाता है इंग्लिश में। जैसे वीड्स जो होते हैं ये फसली पौधों को छोड़कर दीगर जो पौधे फसल के साथ उगते हैं उन्हें वीड्स कहा जाता है,
आम जुबान में उसको तन कहते हैं। इंसेक्ट पता है आपको, कीड़े मकोड़े, यानी ये दिगर पौधों को ख़त्म करने वाले, इसलिए इसको वीडिसाइड कहा जाएगा। ये इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों को ख़त्म करने वाले इंसेक्टिसाइड कहा जाएगा। बैक्टीरिया को ख़त्म करने वाले बैक्टेरियोसाइड कहा जाएगा। इस तरह से इसके नाम दिए जाते हैं। अब यहाँ पर ये हर्बिसाइड्स है, यानी हर्ब जो पौधे होते हैं, यानी पौधे जो हैं ये जसामती इस्तेमाल से हम इनको तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हर्ब होते हैं जो छोटे पौधों को ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, शर्ब होते हैं झाड़ियों के लिए इस्तेमाल होता है, और ट्रीज़ होते हैं जो दरख्तों के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, बड़े पौधों के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो एकदम छोटे पौधे जिसे घास फूस हम कहते हैं आम जुबान में, तो ये घास फूस को हर्ब कहते हैं। इस घास फूस को ख़त्म करने वाली दवाइयाँ, बहुत सिंपल चीज़, उसको हर्बिसाइड करें। वीड्स तन को ख़त्म करने वाली, यहाँ घास फूस नहीं, दिगर भी उसके अंदर आ जाएगी। और इंसेक्टिसाइड पता है, मैंने आपको बताया कि जो दवाइयाँ फवारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसके ज़रिए इंसेक्ट से होने वाली, कीड़े मकोड़े से होने वाली बीमारियों की रोकथाम की जाती है। तो ये ऐसे ये हर्बिसाइड्स, बहुत सारे हर्बिसाइड्स हैं। इस हर्बिसाइड्स में कई हर्बिसाइड जो है वो पौधों की मतलब देखभाल में, जिसे कहते हैं उसके मैनेजमेंट में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जब आप फसल को बोते हो, फसल बोने के बाद जब ये फसल उगती है ज़मीन से, तो ये फसल उगने के बाद इसके साथ बहुत सारे दिगर पौधे भी उग जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, उस फील्ड के अंदर, उस खेत के अंदर, उस जो भी ज़मीन है उसके अंदर अगर फसल बोए हुए पौधे और प्लस दिगर पौधे है, अब क्या कर रहे हो फसल के लिए, आप वहाँ पर खाद उसको डाल रहे हो, अब क्या कर रहे हो उसके लिए, आप उसको पानी डाल रहे हो, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं तमाम उसको आप मुहैया कर रहे हो। अब ये फसली पौधे तो है वहाँ पर, उसके साथ साथ दिगर पौधे भी हैं, तो क्या होगा, ये तमाम चीज़ें जो गिजाई ज़र्रात है और दिगर चीज़ें, जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए सूरज की रोशनी है, पानी है, ये तमाम चीज़ें वो फसली पौधे तो हासिल करेंगे, साथ ही साथ वो दिगर पौधे भी उनको हासिल करेंगे। यानी वहाँ एक कॉम्पिटिशन होगा और उसका सीधा एडवर्स जो असर है वो फसल वाले पौधों पर होगा, यानी फसल वाले पौधों को उससे क्या होगा, नुकसान होगा। और अगर उन पौधों की तादाद फसली पौधों से ज़्यादा होगी, तो यकीनन वो जो फसल है वो क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए क्या किया जाता है कि वहाँ पर जो है, एक मैंने अभी कहा आपको, जैसे एक दवाई का छिड़काव करते हैं जिसको हर्बिसाइड्स कहते हैं, वीडिसाइड्स कहते हैं। मुख्तलिफ ये दवाइयाँ होती है, जैसे अगर हम दो दाला नबातात, जैसे सोयाबीन है, उड़द है, मूंग वगैरह, ये इसमें जो हर्बिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक डाला नबातात वाले जो पौधे उनको ख़त्म करते हैं। क्योंकि अगर हम जनरल वाला इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब के सब पौधे ख़त्म हो जाएंगे। एक डाला नबातात की फसल है तो उसमें दो डाला नबातात को ख़त्म करने वाले अपन वीडिसाइड्स हर्बिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं, वो ठीक है, वहाँ अपने को उसकी ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये हर्बिसाइड्स इससे कहा जाता है, ये अपने समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक हर्बिसाइड है जिसको राउंड अप कहा जाता है। अब ये राउंड अप आप इस्तेमाल कर रहे हो, इस राउंड अप का जो इफ़ेक्ट है जो भी हर्ब है उसके ऊपर होगा, लेकिन इसका सीधा सीधा इफ़ेक्ट जैसे फसली पौधे है या दिगर उसके नेबरिंग, उसके पड़ोस में रहने वाले जो दिगर पौधे हैं, उस पौधों के ऊपर भी उसका असर होगा और उनका रेजिस्टेंस पावर कम होगा। सिंपल चीज़ है, जैसे एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, वो एक एग्ज़ाम्पल आपके यहाँ समझ में आ जाएगा। कुछ जगह यानी जो पौधे फसल के तौर पर बोए जा रहे हैं और उसके अतराफ में दिगर जो पौधे हैं, इनका एक साइकिलिंग चलते रहता है, और उसके ज़रिए उस पर आने वाले पेस्ट बीमारियाँ उसके उस पर आने वाली, और एनवायरनमेंट माहौल के अतबार से उनमें होने वाली तब्दीलियाँ, वो एक दूसरे से रिलेटेड होती है। अब यहाँ क्या हो रहा है, अगर हम किसी एक को ख़त्म कर देंगे, एक का खात्मा कर देंगे, तो जाहिर सी बात है उसका एडवर्स इफेक्ट दूसरे पे होगा और उसका रेजिस्टेंस पावर क्या होगा, कम होगा। वैसे ही ये राउंड अप, ये हर्बिसाइड जब हम इस्तेमाल करेंगे, तो सोयाबीन जो पौधा है या दिगर उससे रिलेटेड जो नेबरिंग पौधे हैं, उनके अंदर जो रेजिस्टेंस पावर है कुत मदाफियत वो ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, यानी इसका बार बार इस्तेमाल करने से। तो यहाँ ये एनवायरनमेंट पर इसका बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होता है, ये याद रखिए। चलिए पहली बात, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ये एक एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हर्बिसाइड्स का जो है कैसे वहाँ पर यानी एनवायरनमेंट पर इफेक्ट हो रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट दूसरा जो है, ये पहला याद रखिए, इसका दूसरा ये बाद में लिखते हैं, इफेक्ट ऑन हेल्थ। दूसरा जो है तो इफेक्ट ऑन, समझ में आ गया,
यानी हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल और रेजिस्टेंट पावर, इसका क्या ताल्लुक है, मैंने आपको समझाया। इफेक्ट ऑन अनटारगेटेड स्पेसीज। अब क्या कर रहे हैं हम, अभी मैंने बताया जैसे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कोई पेस्ट मैनेजमेंट के लिए, कोई बीमारी की रोकथाम के लिए, जैसे हम हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वीडिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको ये फसली पौधों को बचाना है और ये पेस्ट मैनेजमेंट का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। चलिए ये तो हमारा सीधा सीधे बात है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई इंसेक्टिसाइड, कोई ऐसी दवाई इस्तेमाल में ला रहे हैं कि जिससे इंसेक्ट्स या कीड़े मकोड़े से होने वाली बीमारियों का खात्मा हो जाता है, वो सिंपल चीज़ है। अब हम जब उस पौधों को यानी फसली पौधों को ये स्प्रे करेंगे, यानी ये दवाइयों का स्प्रे करेंगे, ये दवाइयों का फवारा मारेंगे, तो पहली बात वो जो पेस्ट है यानी वो जो बीमारी है या वो बीमारी पैदा करने वाले कीड़े जो है वो तो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद वो है, होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे कीड़े, कुछ ऐसे मतलब दिगर इंसेक्ट जो है वो भी उसके साथ ख़त्म हो जाएंगे, जो हमारे फ़ायदेमंद हो गए या जो इस फूड चेन को, ये गिजाई जंजीर को या पूरे इस इन्वायरमेंट की साइकिल को जो है तो चलाते हैं। आपको बताऊंगा इन्वायरमेंट में कैसे हर कोई एक दूसरे पर डिपेंड होता है। जैसे पौधे हैं प्रोड्यूसर होते हैं, यानी गिजा को तैयार करते हैं, उनसे गिजा हासिल करने वाले फर्स्ट यानी पहले कंज्यूमर जिसे कहते हैं हम, पहले सारिफिन कहते हैं, यानी दीगर चार पैरों पर चलने वाले जानदार जो गिजा सब्ज नबातात वगैरह से हासिल करते हैं, फिर उनसे हासिल करने वाले हर पहले वाले को हर्बीवरस हम कहते हैं, फिर कार्निवरस होंगे, गोश्त कोर कहलाएंगे, या सेकंड कंज्यूमर कहेंगे, उनसे हासिल होने वाले थर्ड कंज्यूमर कहलाएंगे यानी तीसरे सारिफिन कहलाएंगे। ये सब का खात्मा हो जाएगा तो उसके बाद खुर्दबीनी जानदारों का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे कहते हैं खुर्दबीनी जानदार, उनका किरदार शुरू हो जाएगा। वो इन तमाम जानदारों का क्या करेंगे, तजिया करेंगे, उनका ब्रेकडाउन करेंगे और ये तमाम गिजाई ज़रात को फिर से दोबारा से उस ज़मीन के अंदर दाखिल करेंगे, फिर नबातात उसके ज़रिए लेंगे और ऐसा एक साइक्लिक चेन ये ऐसी चलते रहेंगे। आप अगर पानी के अंदर देखेंगे तो छोटी मछलियाँ बड़ी मछली को, बड़ी मछलियाँ छोटी मछली को खाएगी वगैरह वगैरह, ऐसा इस तरह से एक ऐसी चेन चलेगी, ऐसी एक फूड चेन जिसे कहा जाता है गिजाई जंजीर चलते रहती है और ये एनवायरनमेंट का ये एक पूरा साइक्लिंग है। अब अगर इस साइकिल में अगर कोई एक भी कंपोनेंट, कोई एक हिस्सा ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट दूसरे पर होगा, उसका इफेक्ट तीसरे पर होगा, यानी क्योंकि कोई एक जंजीर में हमको पता है एक बहुत अच्छी एक एग्जांपल देते कि एक के ऊपर ऐसे हम ब्लॉक रख देते हैं, ईंटें रख देते हैं। अब क्या करें, बीच की ईंट को निकाल दो, क्या होने वाला, ऊपर की जितनी ईंटें है वो ऑटोमेटिक गिर जाएगी। वैसा ही कुछ यहाँ होता है, यहाँ पर जो दिगर जानदार है वो दिगर जानदारों पर भी इसका असर होगा और वो अगर उस फूड चेन से या वो गिजाई जंजीर से या उस एनवायरनमेंट से निकल जाते हैं तो उसका सीधा सीधा असर जो है तो उसके बाद वाले जितने जानदार हैं उन सब पर होगा और ये जो है ये बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे बटरफ्लाइज जो होते हैं, एक मोनार्च बटरफ्लाई है, ये नुकसानदेह नहीं है, फ़ायदे वाली है। अब और बहुत सारे की दिगर है, जैसे कुछ परिंदे हैं एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, परिंदे से बहुत आसानी समझ में आता है। अब क्या है, अगर किसी खेत में फसल बोई है और उस खेत के अंदर फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर अगर कोई पेस्ट कोई बीमारी आती है जो कीड़े मकोड़ों की है, अब उस खेत में बीच बीच में जैसे एक पेस्ट मैनेजमेंट का एक तरीका है एग्जाम्पल के जरिए आपके समझ में आ जाएगा, ये फसली पौधे हैं या बीच बीच में कुछ ऐसे पौधे जैसे ज्वार है, बाजरा है, ऐसे पौधों को हम बोएंगे जिनकी हाइट इन पौधों से ज़्यादा है। अब क्या होगा, जैसे इन पौधों पर अगर कोई पेस्ट आ जाता है, इन पौधों पर अगर कोई बीमारी आ जाती है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ कोई इल्ली आ जाए तो ये जो हाइड्रेट पौधे हैं, इन हाइड्रेट पौधे पर अगर यहाँ इनको ये जगह मिल जाती है, यहाँ अगर कोई परिंदे आकर बैठते हैं तो बहुत सिंपल चीज़ है, ये परिंदों को बआसानी से इस पर मौजूद कीड़े मकोड़े या यहाँ पर मौजूद जो इल्लियाँ ही दिखाई देगी और वो क्या करेंगी, ये परिंदे आसानी से इसको क्या करेंगे, एज ए फूड गिजा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन
अगर हम इन कीड़े मकोड़ों को ख़त्म करने के लिए अगर कोई हम दवाई का छिड़काव करते हैं, उसमें अगर ये परिंदे ख़त्म हो जाए, इनका खात्मा हो जाए, तो क्या होगा? यहाँ जो पेस्ट मैनेजमेंट नेचुरली हो रहा था, यानी कुदरतन ये एक पेस्ट मैनेजमेंट का जो तरीका था, उसकी एक जंजीर यहाँ ख़त्म होगी ऑटोमेटिकली। यानी यहाँ पर जो इफ़ेक्ट है ये अनटारगेटेड था, ये टारगेट नहीं था हमारा, टारगेट कौन था? ये था। तो ये अनटारगेटेड स्पेसीज इसका इस पर असर हुआ, और बहुत सीधी सीधी बात है, इस पर असर होने से फिर इसका इफेक्ट कहाँ होगा? इन्वायरमेंट में होगा। जैसे मैंने ये एक एग्जांपल दिया, मोनाज बटरफ्लाई का आपके इसमें है, ये फायदेमंद है, लेकिन दिगर पेस्ट के साथ, दिगर कीड़े मकोड़ों के साथ ये भी ख़त्म हो जाती है, और ये ख़त्म होने से सीधा इफेक्ट उसका इन्वायरमेंट पर होता है। ऐसे कई बटरफ्लाइज की स्पेसीज़ है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, इस इन्वायरमेंट में चलाने के लिए फ़ायदेमंद होती है, लेकिन यहाँ पर उनका भी खात्मा ये मुख्तलिफ़ किस्म की इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करने से होते हैं। इस तरह से ये जो है ये इफेक्ट इन्वायरमेंट पर होता है। बहुत सारे और दीगर एग्जाम्पल्स है, आपके सिलेबस में दो ही पॉइंट यहाँ दिए हैं, एक हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल रेजिस्टेंस पावर को कम कैसे कराता है, और इफेक्ट ऑन अनटारगेटेड स्पेसीज, वो जो हमारा टारगेट नहीं है वो स्पेसीज पे कैसे असर होता है। चलिए ये दो पॉइंट्स याद रखिए इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट के तहत। फिर नेक्स्ट जो है इफेक्ट ऑन हेल्थ, इंसान की जो सेहत है या दीगर जानदारों की सेहत, खासतौर से इंसान की जो सेहत है, उस पर ये बायोटेक का क्या इफेक्ट होता है, क्या असर होता है, इफेक्ट ऑन। अब यहाँ पर हम सिर्फ ह्यूमन हेल्थ के बारे में देखेंगे, यानी इंसानी सेहत पर बायोटेक्नोलॉजी का क्या असर होगा। ठीक है, जैसे ये एनवायरनमेंट पे होता है वैसे ही। पहली बात, बायोटेक्नोलॉजी का जो इंसानों पे होने वाला जो पहला जो असर है, इस पहले असर में बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजी की इस्तेमाल की जाने वाली बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो इंसान को एलर्जीज या एलर्जी की बीमारी पैदा करती है। एलर्जी वर्ड आप बहुत बार सुनते हो, क्या होता है समझ लीजिए। एलर्जी के वैसे माने होता है, या एलर्जी जो बीमारी है वो ऐसी इस तरह की बीमारी होती है कि किसी चीज़ को लेकर, चाहे कोई केमिकल हो, कोई कीमिया मादा हो, कोई खाने की चीज़ हो और दीगर कोई चीज़ हो, उसको लेकर इंसान के किसी अज़ा का या किसी सिस्टम का, किसी निज़ाम का क्या होना, बहुत ज़्यादा यानी बड़े पैमाने पर उसको उकसाए जाना और उसके अफाल में इजाफा होना, उसको हाइपर सेंसिटिविटी भी कहा जाता है। एग्ज़ाम्पल देने से बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पर बहुत बार ऐसा होता है, जैसे अगर घर में काफ़ी दिनों से अगर आपने साफ़ सफाई नहीं किए, और जब आप साफ़ सफाई करते हैं तो घर की जो चीज़ें होती है उस पर जमी हुई जो धूल है, वो धूल हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाती है, हमारे अमले तनफ्फुस के इस निज़ाम में वो दाखिल हो जाती है, और फिर हमको किसी को नाक बहना, किसी की आँखों से पानी आना, किसी को मुसलसल छींकों का आना, ऐसी बहुत सारी शिकायतें हम देखते हैं, और ये जो है ये एलर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है? एलर्जी। कभी कभी जो ग्रेन होते हैं, अनाज होते हैं, उस अनाज का जो भूसा होता है, उसकी जो धूल होती है, उससे कुछ लोगों को एलर्जी होती है। कुछ लोग कुछ चीज़ें खाने से, वो खाने के बाद उनके स्किन वगैरह पर जो है तो ऐसे मतलब बड़े बड़े ऐसे पैचेस आ जाते हैं, रेडिश, और उसमें खुजली आती है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट एलर्जी के टाइप्स है, लेकिन स्पेशली जो है तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक की या अमले तनफ्फुस की जो एलर्जी है, ये बहुत ही बड़े पैमाने पर इन्हें बहुत बहुत सारे लोगों को पाई जाती है, और मैंने आपको कहा बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। अब यहाँ देखिए, कुछ पेस्टिसाइड्स, कुछ हर्बिसाइड्स और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ये एलर्जी का सबब बनती है, मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये एलर्जी से इस बायोटेक्नोलॉजी का ताल्लुक है। इसमें तुम्हारी बुक में एक एग्जांपल जो दिया है एलर्जी के ताल्लुक से, वो है ब्राज़ील नट। जैसे कैशू नट होता है, काजू जिसे हम कहते हैं, वैसा एक ये ड्राई फ्रूट है, ये ब्राज़ील नट जो है, ये ब्राज़ील नट इसमें बड़े पैमाने पर एक प्रोटीन है मिथियोनाइन। आपने प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़े होंगे, पहला ही मिथियोनाइन होता है, ठीक है। ये मिथियोनाइन जो है, ये मिथियोनाइन बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है ये सोयाबीन में ट्रांसफ़र किया गया,
जिसकी वजह से यहाँ पर हमको एक किस्म का प्रोटीन हासिल होता है। ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन मिथेनॉइन जो सोयाबीन में मौजूद है, जो बायोटेक्नोलॉजी के लिए, बायोटेक्नोलॉजी के जरिए हासिल किया गया, ये बहुत सारे लोगों को एलर्जी का सबब बनता है। खास से इससे तैयार होने वाला तेल है, सोयाबीन से तैयार होने वाली दिगर जो चीज़ें हैं, सोयाबीन बड़ी वगैरह जो एज ए सब्जी के तौर पर या तरकारी के तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं, या फिर सोयाबीन की जो फसल है उसमें से अगर वो कोई बंदा गुजरता है या कोई इस तरह से, तो वो उसे ये इस मिथेनॉइन की वजह से एलर्जी होती है। और वो मैंने आपको कहा उसके खास तौर से रेस्पिरेटरी ट्रैक पर या इस तरह से कोई ऐसे मखसूस हिस्सों पर, स्किन वगैरह पर उसका इफेक्ट होता है और वो एलर्जी का शिकार बनता है। ये एक एग्जांपल यहाँ पर याद रखिए। उसके बाद में दूसरा जो इसका एलर्जी के बाद जो इफेक्ट है वो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट। ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या चीज़ है, कैसे लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है? एक चीज़ हमने देखे कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, इस बायोटेक्नोलॉजी से हासिल होने वाले बहुत सारे क्रॉप है, बहुत सारे फसली पौधे हैं। ये फसली पौधों में जो हमने चेंजेस किए, यानी आर टेक्नोलॉजी के ज़रिए, पीसीआर टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो नई नई चीज़ें इसके अंदर दाखिल किए, इस नई चीज़ों से जो जानदार है उनके लाइफ में, उनके ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई। कुछ चीज़ें नई उनके बॉडी के अंदर आ गई, कुछ नए केमिकल उसके बॉडी में आ गए, और उसका जो एडवर्स इफेक्ट हुआ वो एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में ऐसे मुंतकिल होता गया। और अगर ये होता है तो इस इफेक्ट को हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट कहते हैं, और इसे एक वर्ड बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है, एंटीसिपेशन उसे कहा जाता है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए जो हमारे फ़ायदे थे, उस फ़ायदे के बदले वहाँ पर एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट, यानी आने वाले नस्लों में उसका जो इफेक्ट दिखाई दिया, आने वाले नस्लों में जो उसका असर दिखाई दिया, तो एंटीसिपेशन के माने उसको तोहफा कहते हैं। एक गिफ्ट जो है वो नए नस्ल के जानदारों को मिला, और इसी को लॉन्ग टर्म इफेक्ट कहा जाता है। यानी एलर्जी ये टेम्पररी होगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होगी कि जो लॉन्ग टर्म जो है ये इस जानदारों के ऊपर इफेक्ट कर जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड चीज़ इसके अंदर जो है ह्यूमन हेल्थ पे असर करने वाली, यह है न्यू प्रोटीन्स। अब हमको एक बात पता है कि प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, पहले समझ लीजिए इसको। जैसे हमको पता है जब हम गिजाई ज़र्रात की फेरिस लिखते हैं, तो सबसे पहले हम वहाँ कार्बोहाइड्रेट या शुगर को लिखते हैं, फिर प्रोटीन को लिखते हैं, फैट लिखते हैं, मिनरल्स मादनियात लिखते हैं, विटामिन्स लिखते हैं, इस तरह से एक लंबी फेरिस बनेगी, ठीक है। इसमें जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे बॉडी के लिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट तो है जिससे तवानाई हासिल होगी, लेकिन साथ ही साथ जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन हम बॉडी ब्लॉक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसको बॉडी ब्लॉक कहा जाता है। इसे जो घर बनाने के लिए ब्लॉक ईंटों का इस्तेमाल होता है, वैसे बॉडी को बनाने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि खलिए के ऊपर का हिफाजती ग्लाफ प्रोटीन से बना होता है। खलवी हैवान से जितने उसके ऊपर का हिफाजती ग्लाफ प्रोटीन से बना होता है। तमाम हार्मोन्स प्रोटीन होते हैं, तमाम एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, यानी उसके बगैर कीमियाई तामूल नहीं होगा। यानी इतना इम्पॉर्टेंट ये प्रोटीन। अब जो प्रोटीन हमारे बॉडी में तैयार होता है उसके लिए एक अमल है जिसको प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। जनरली नेचुरल वे से हम जो गिज़ा हासिल करते हैं, वो गिज़ा हम डायरेक्ट प्रोटीन नहीं हासिल करते, हम क्या करते हैं, अमाइनो एसिड को हासिल करते हैं, और उस अमाइनो एसिड को तरतीब देकर मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन कुदरतन नेचुरली हमारे यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन के तालीफ इस अमल के ज़रिए बनाया जाता है। अब अगर हम डायरेक्ट इस बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए किसी पौधे के ज़रिए, किसी दिगर GMO यानी मॉडिफाइंग ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए, यानी हैवानात वगैरह के ज़रिए, एग्स में, मिल्क में, और कहीं जैसे राइस के ज़रिए, गेहूँ वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, इन तमाम जगहों से अगर कोई न्यू प्रोटीन अपने बॉडी में दाखिल होता है, नया प्रोटीन अगर अपने बॉडी में दाखिल होता है, तो जाहिर सी बात है ये सबके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसे अडॉप्ट करना मुश्किल होगा, और इसका एडवर्स इफेक्ट जो है तो ये जानदारों पर होगा। उसके बाद में इसका एक और एक जो इफेक्ट है उसको फूड एडिटिव्स कहा जाता है। एडिटिव जो है तो इसको ऐड करना कहा जाता है, या एक्सटर्नल इसको लेना कहा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में हमने देखे कि जो मुख्तलिफ किस्म की जो गिज़ा है,
इस मुख्तलिफ किस्म की गिज़ा जो हम इस बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए जो हासिल करते हैं, यहाँ हासिल होना जो फूड है, जैसे उसमें प्रोटीन को हम हासिल करेंगे, उसमें कुछ विटामिन को हासिल करेंगे, इस तरह से ये एक तरह से एडिक्शन बोल सकते या लत कह सकते नए स्पेसिस के जानदारों में हो सकती है, और उसकी डिफिशेंसी जानदारों में होगी अगर वो गिज़ा हम नहीं लेते हैं तो। क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, ज़रूरी नहीं सबके लिए मिले, लेकिन यहाँ पर उसका एडिक्शन होगा जानदारों के अंदर, और अगर वो नहीं मिलता है तो उसका एडवर्स इफेक्ट होगा, यानी इस तरह से ये फूड एडिटिव्स के अंदर जो है तो जानदारों को नुकसान होगा, ख़ासतौर से इंसानों को नुकसान होगा। यहाँ पर हमको एक चीज़ याद रखना है स्पेशली कि इफ़ेक्ट जो एनवायरनमेंट के है, इसमें ये दो इफेक्ट को आप डिस्कस कर लीजिए, हर्बिसाइड्स और रेजिस्टेंट पावर का क्या होता है, अनटारगेटेड यानी जो हमारा टारगेट नहीं है, जो हमारा मकसद नहीं है जिसे ख़त्म करना, वो भी यानी गैर मकसद के ज़रिए ये स्पीशीज़ को कैसे खात्म होता है, एलर्जी कैसी होती है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमेशा के लिए कैसे हो जाता है, नए प्रोटीन कैसे दाखिल होते हैं, और गिजाई जंजीर में या नई नई चीज़ें जो है ये इसके अंदर किस तरह से आती है, जिसको अपन बायो फोर्टिफिकेशन भी कहते हैं, न्यू न्यूट्रिएंट उसमें कैसे एडिट किया जाता है, उसमें कैसे ऐड किया जाता है। चलिए उसके बाद यानी नेक्स्ट जो टॉपिक इसका है, वो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अपन देखेंगे, सिर्फ यहाँ पर उसका थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं क्योंकि उतना टाइम नहीं है। पहली बात ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसमें सिर्फ मैं उस टॉपिक्स को क्या है ये समझाने जाऊंगा, आपको समझाऊंगा बाद में, इसको डिटेल अपन इसको पढ़ेंगे। इस चैप्टर में तीन पॉइंट्स और बाकी है, एक पॉइंट है बायो पेटेंट, दूसरा है बायो पायरेसी, और तीसरा है बायो इथिक्स। देखिए पेटेंट किसे कहते हैं, पेटेंट वैसे उर्दू में उसको मुआहदा कहते हैं, एक एग्रीमेंट जिसे हम कह सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर कोई चीज़ यानी कोई टेक्नोलॉजी के ज़रिए अगर हम कोई तैयार करते हैं तो सिंपल चीज़ है, अगर वो इंसानों के फ़ायदेमंद हो, इंसानों के फलाह बुदूद के लिए हो, तो दुनिया के दिगर मुल्क, चाहे वो किसी इंसान ने बनाई हो या किसी मुल्क ने बनाई हो, तो वो तमाम दुनिया के दिगर मुल्क चाहेंगे कि हम उसे इस्तेमाल करें, करेक्ट। लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजी हमारी है, पहली बार जो करेगा, चाहे वो एक फ़र्द हो, चाहे एक इंसान हो, या वो कोई मुल्क हो, चाहे वो कोई सोसाइटी हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, कोई भी हो, कोई फर्म हो, अगर वो टेक्नोलॉजी वो सबसे पहले फर्स्ट अगर वो डेवलप करता है और उसने अगर अपना पेटेंट रजिस्टर्ड कर दिया कि ये रिसर्च मेरा है, तब उस रिसर्च को कोई भी दिगर, चाहे एक इंसान हो, एक फ़र्द हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो कोई मुल्क हो, वो उसके इजाज़त के बगैर इस्तेमाल नहीं करेगा। इसको बायो पेटेंट कहा जाता है, यानी एक मुआहदा करना, इसको डिटेल हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। बायो पायरेसी किसे कहते हैं, अब आपने देखे कि यहाँ पर जो नई टेक्नोलॉजी जो आती है, अगर ये नई टेक्नोलॉजी अगर किसी की इजाद है, चाहे किसी एक बंदे की हो, चाहे किसी कंपनी की हो, चाहे किसी मुल्क की हो, अगर उसके इजाज़त के बगैर कोई इस्तेमाल करे, उसके इजाज़त के बगैर अगर कोई इस्तेमाल करे, तो उसको बायो पायरेसी कहते हैं। पायरेसी के माने चोरी होता है, सीधा सीधा, यानी टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बगैर इजाज़त करना बायो पायरेसी कहलाएगा। इसको डिटेल में हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ पे अपने को डिटेल करना है, इसके कुछ एग्जांपल भी अपन पढ़ेंगे। बायो इथिक्स, इथिक्स ये लफ्ज जो इस्तेमाल होता है उसूलों के लिए होता है, पता होगा हम बहुत बार ये इस्तेमाल करते हैं कि भाई हमारे ये इथिक्स नहीं है, मतलब ये हमारे उसूल में नहीं बैठता है, हम इस तरह से नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वो करेंगे, जो भी, ये सारी चीज़ें इथिक्स में आती हैं। अभी मैंने यहाँ दोनों चीज़ों को डिस्कस किया कि बायोटेक्नोलॉजी के फ़ायदे कैसे, बायोटेक्नोलॉजी के नुकसान कैसे, तो उसमें जो फ़ायदे है बराबर है, लेकिन वो फ़ायदे अगर इंसानों के लिए कहीं नुकसान होते हो, इंसान जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे क्लोनिंग है। अब क्लोनिंग अगर हम करते हैं दीगर जानदारों का कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इंसानों का क्लोनिंग किया जाए, क्लोनिंग के ज़रिए हमको पता है कि एग्जैक्ट जेरोस्कोपी जानदार हम बना सकते हैं। अब अगर एग्जैक्ट जेरोस्कोपी अगर कोई इंसान की बना ले, तो बहुत सीधी सीधी चीज़ है, आज तक तो नहीं बनी है, लेकिन अगर बन जाए तो बहुत सीधी सीधी चीज़ है, जो इंसान है उसकी अहमियत क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, इसीलिए उसकी इजाज़त नहीं होती है। तो उसके कुछ उसूल बनाए गए हैं सब लोगों को मिलकर कि उसका इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें बायो इथिक्स में आएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला बायो पेटेंट, बायो पायरेसी और बायो इथिक्स इस पर डिस्कशन करेंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ये तीन टॉपिक के साथ।